हम तो कोई किसान भी नहीं कहा जो कि 2 रुपये बोरी दे देंगे या 4 रुपये बोरी दे देंगे, हमारे धैर्य पलटा मारो नहीं। आज तक आरती किसी ने कहा भी पलटा मारे तो हम मजदूरी देंगे। इस कारण जो है हमारे मजदूर जितना भी हैं, मैं हर एक ठेकेदार जितना भी मंडी में सबके उसमें से रूम में से किसी का 10 चला गया, किसी का 15 चला गया, किसी का 8 चला गया, मतलब लेबर मंडी से निकल रही है। ठीक है, कल को जो है आरती कहेंगे हमारा काम तो राम कुमार ठेकेदार तुमने लिया, अब लेबर जहाँ से मर्जी लाओ करो। लेकिन ये बात नहीं हो रहा है जो कि पलटा रोज काम कर रहे, तुम्हारी बोरी का मजदूरी हम 2 रुपया बोरी बनवा देंगे या 3 रुपये बोरी दे देंगे या 2.5 रुपये बोरी दे देंगे, एक पलटा में देंगे। अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है, इस कारण हम आप लोगों के पास आए। का जो सफाई का पलटाई का जो रेट है जी, वो आपको आरती से दिलवाएंगे। ठीक है, सरकार ने फिक्स कर दिया, पहले आपकी समस्या थी कि फिक्स नहीं है, वो हमने बात के ऊपर वो हमने उसमें डलवा के आपको दिलवा दिया। ठीक है, और शाम तक साझा सारा समाधान भी हो जाएगा, आपकी लेबर के पास काम की कमी नहीं पड़ेगी, काम रूटीन में चलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, जो एक दफे जो मजदूरी सरकार ने लिख के दिया है, जो एक दफे मजदूरी एक दफे करेंगे ना, अगर उस चीज को हम 10 दफे काम करेंगे तो फिर उसका मजदूरी कौन देगा? आरती देंगे, किसान देंगे, मार्केट कमेटी हरियाणा सरकार देगा, कौन देगा हमें? आपको हम तो भूखे मर रहे हैं। आपको एक बार के अलावा 2-3 बार करने के लिए कौन करता है? किसान कहते हैं, किसान कहता आरती करता है, किसान आरती करता है, वो आरती आपको देंगे मजबूरी। मैं आज रिटर्न में आदेश निकाल देता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत मेहरबानी आपका। मैं अपने साइन करके पूरी मंडी को नोट करवाता हूँ आरतियों को। ठीक है सर, भाई जो साफ सफाई एक बार होगी, 2 बार, जितनी बार होगी, जो नॉर्म के हिसाब से पैसा बनता है वो आपको मिलना चाहिए। ठीक है सर, ये नहीं है कि आप सारा दिन एक ही पर लगे रहो, और आप करो तो आप 5 बार मिले एक बार, यही बात है, ये मैं करा दूंगा। ठीक है सर, एक बात और है, जैसे मेरा जो हम काम नहीं कर रहे थे सर, वो मेरी तो मजदूरी काट ली गई, ये तो जाए चलो, जो हम नहीं कर रहे कट गए, वो वहाँ से कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन अब जो है ये आरती जो प्रेशर बनाते, जैसे उनसे मैंने बात रखा, जो आप बोल रहे हो वो बात मैंने रखा उनसे, अपने आरती से, जिस दुकान पर मैं हूँ अपने आरती से मैंने रखा, जो भाऊ जी जब जो मैं काम नहीं कर रहा था वहाँ से मेरा मजदूरी कट गया, अब जो मैं मजदूरी कर रहा हूँ एक पलटे के बजाय मैं 5 पलटे 10 पलटे लगा रहा हूँ, उसका तो मजदूरी मिलना चाहिए। वो कह रहे नहीं, क्यों मिलेगा, ये तो मजबूरी है, जो माल खरीद नहीं हो रहा है, तुम्हें गर्म माल होगा पलटा मारना पड़ेगा। कुछ नहीं है सर, मैं इसके अभी ऑर्डर दूंगा, मजदूरों के लिए वजह से जो रोजी रोटी हो तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, यही बात जी सर, जी सर। एक बात दूसरी, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि जो जमींदार का माल आ रहा है वो बार बार पलटी कर रहे हो, पैसे एक बार के मिलेंगे, करना पड़ रहा है कई कई बार, उसके मैं ऑर्डर निकलवा देता हूँ, जो जितनी बार काम करेगा हम उसको उसकी उतनी मजदूरी दिलाएंगे। बस बस ठीक है, ये होना चाहिए, मतलब चाहे एक जैसे एक पलटा का हमें जो मजदूरी मिल रहा है, मैं समझ गया, तो मैंने बात कह दी, आप जितनी बार काम करोगे, यार हम यहाँ से करनाल गए बस में, तो हमने एक बार किराया दिया, हम दूसरी बार देंगे तो दूसरी बार भी टिकट कटाऊंगे, समझ के बात है, टिकट उतनी बार कटनी चाहिए। बस बस बस, हालात कैसे हैं, बारिश भी हुई है, क्या धान की खरीद प्रॉपर तरीके से शुरू हो गई है? मंडी के अंदर जो रात को बारिश हुई है, जितने हमारे मंडी के अंदर आड़ती हैं सब ने कोशिश की, लगभग हमारी 90% ढेरिया जो है ना वो कवर थी, आपने भी देखा होगा काफ़ी कवर थी। दूसरा, जो हमारी खरीद एजेंसियां हैं वो आज सुबह से ही तीनों एजेंसियों के कर्मचारी मोस्टर लेके सारी मंडियों का मोस्टर, ढेरियों का मोस्टर चेक कर रहे हैं, और जो शाम तक आपको सूचना मिलेगी कि एजेंसियों ने आज काफ़ी माल खरीदा है। ये भी परेशानी आ रही है कि राइस सेलर्स नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते परेशानी बनी रहती है, क्योंकि आड़तियों का ये कहना है कि राइस सेलर नहीं आएंगे तो फिर क्या खरीद का फायदा। मैं मानता हूँ ये जो राइस सेलर नहीं आ रहे वो भी एक इशू है, लेकिन ये नहीं है कि राइस सेलर नहीं आएंगे तो मंडी में खरीद नहीं होगी, हम खरीद व्यवस्था बनाने में लग गए हैं, तो वो शाम तक जो है ना लगभग सारा हो जाएगा। बारदाना प्रॉपर मिल पा रहा है? बारदाना मिल जाएगा, जो हमारी कल हमारी स्टार्ट हुई थी शाम के टाइम खरीद, जो 3,000 क्विंटल के आसपास जो हमारी खरीद हुई थी उसकी ई ऑक्शन हो चुकी है, आईजे फार्म बन जाएंगे, उनको बारदाना दे दिया था, वेट हो चुका है और आज से प्रॉपर सिस्टम में आ जाएगा। एक आखिरी सवाल, गेट पास को लेकर क्या समस्या या उसका समाधान, शेड्यूल को लेकर क्या स्थिति? अभी तक क्या है कि मंडी के अंदर जो फार्मर अपना पैडी लेके आ रहा है शेड्यूल के हिसाब से उसको गेट पास जारी किया गया, यदि कोई किसान ऐसा है कि बगैर शेड्यूल के भी अपनी मंडी में माल लेके आया है तो हमारे कर्मचारियों द्वारा मौके पर उसको शेड्यूल जारी किया जा रहा है और उसको गेट पास दिया जा रहा है। और आपने देखा भी होगा अभी कोई भी किसान मंडी के आसपास कोई किसी तरह कोई जाम की स्थिति नहीं है, ना कोई साइड में है, सारा काम अब प्रॉपर तरीके से चल चुका है। मजदूरों की क्या समस्या थी जिसका आपने समाधान करने का उन्हें आश्वासन दिया है? मजदूरों का कहना ये है कि खरीद ना होने से एक तो उनकी लेबर खाली बैठी है,
तो वो उसको मैंने वो बता दिया है कि आज खरीद होगी, उनका काम चल रहा है, क्योंकि तुलाई का काम भी होएगा, लोडिंग का काम भी होएगा। दूसरी उनकी जो दूसरी समस्या थी कि मंडी में पिछले एक हफ्ते से माल पड़ा हुआ है, 8 किलो को उनसे सफाई बार बार करवा रहे हैं उस डेयरी की, तो हमें मजदूरी जितनी बार हम काम करें कम से कम उसके हिसाब से तो मिलना चाहिए। इस बारे में अभी आरती एसोसिएशन की मीटिंग लेके और हम आदेश जारी कर देंगे, जो इनकी साफ सफाई की लेबर बनती है यदि ये ज़्यादा बार कराते हैं तो उसके हिसाब से इनको दिया जाए। हम मंडी में गए थे, आरती एक बात कह रहे थे कि जिनका 15 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उनका गेट पास नहीं हो रहा है। वो पूछते हैं क्यों नहीं हो रहा, तो कहते हैं सिस्टम नहीं उठा रहा, इसलिए मैनुअल जो कागजी गेट पास होता है वो दे दिया जाता है। क्या ऐसी कोई समस्या? ऐसा है कि जो फार्मर्स 15 एकड़ से ज़्यादा के लगभग जी, उनका डाटा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो वेरिफिकेशन है वो अभी बाद में हुआ है। इस विषय में मैंने हायर अथॉरिटी चंडीगढ़ भी बात करी है, ये आज शाम तक नहीं तो कल तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा से सारा डाटा ई खरीद पोर्टल पर आ जाएगा, उसके बाद रेगुलर इनको कल से गेट पास जारी हो जाएंगे। आपका शुभ नाम? चंद्र प्रकाश। मंडी में जो धान या गेहूं की खरीद होती है वो ना बिना किसान के होती है, ना बिना प्रशासन के होती है, ना बिना आढ़तियों के होती है, और ना ही बिना मजदूरों के होती है। और ये तमाम मजदूर जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करने आते हैं, मंडी में मजदूरी करने आते हैं, इनकी भी तमाम समस्याएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी किराया देना है, यहाँ पर भी खाना खाना है, घर पर भी पैसे भेजने हैं, बच्चों को भी पढ़ाना है, और ऐसे में समस्या लगातार बनी रहती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या समस्या थी मजदूरों की जिसके चलते वो आज यहाँ पर पहुंचे, जान लेते हैं उनके प्रधान से, मजदूरों से भी जानेंगे। क्या समस्या थी जिसके चलते आप यहाँ पहुंचे? हमारी समस्या ये है, जो 1.5 महीना से हम लोग यहाँ आए हुए हैं मंडी के अंदर, 2 महीना से आए हुए हैं सीजन के, उसमें जो अब हमारा सीजन चलेगा प्रति, ये तो सरकार जो है कुछ, सरकार ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो किसान परेशान है, किसान ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो हम लेबर मजदूर परेशान हैं। हम यहाँ पे इतना परेशान हो गए हैं, जो कि आज 10 दिन से किसान का जो माल आया है वो कभी गिल्ला ही माल आया है, हरा भी माल है, गिल्ला भी माल, नरम भी माल है, उसको माल नहीं, हरियाणा सरकार नहीं लेने के कारण जो है उसको दिन में 2 दफ़े उसको उल्टा पलटा हम लोग लगाते हैं, उसका कोई मजदूरी ना किसान देता है, ना आरती देते हैं, ना मार्केट कमेटी सेक्रेटरी देते हैं, ना हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिस आया जो जो काम लिस्ट में है उसके अलावे जो काम है उसका कोई मजदूरी इस मजदूर को दिया जाए। हम लोग जो है सिर्फ मुफ्ती काम कर रहे हैं, जो उल्टा पलटा मार रहे हैं, वहाँ पर किसान भी खड़े रहते हैं, आरती भी खड़े रहते हैं, कहते हैं एक माल गर्म हो गया इसको पलटा मारो, 1-5 पैसे भी हम लोगों को नहीं मिला। आपकी मजदूरी क्या तय की गई है सरकार की तरफ से? पिछले साल जो मजदूरी हरियाणा सरकार मार्केट बोर्ड की तरफ से जो बन के आया था उसमें भी हरियाणा सरकार जो है, ये बीजेपी का सरकार जो है, हम लोगों को मजदूरी, हर एक का मजदूरी, महंगाई बढ़ गई, मजदूरी तो हमारी कम हो गई, महंगाई हर एक चीज़ की बढ़ गई, तेल ले लो, आटा ले लो, चावल ले लो, जो रेट जो था वो उससे दुगना हो गया, लेकिन हमारा मजदूरी जो पिछले साल बढ़ाया था हरियाणा सरकार ने उसमें से भी 4 रुपये 20 पैसे कम कर दिया। उसके बाद जब हम लोग हल्ला शोर मचाए मार्केट कमेटी में, पंचकूला मार्केट में जाके, वहाँ मार्केट बोर्ड में जब हल्ला शोर मचाए तो जाके हमारा फिर भी 1 रुपया 6 पैसे। अब क्या है मजदूरी? अब है हम लोगों को 50 किलो वाला जो है 10 रुपये 98 पैसे है, और 37.5 किलो का जो है उसको 10 रुपया 24 पैसे मजदूरी दे रही है, 1 रुपया 6 पैसे मजदूरी पर बैग पे हमारा कम दे रहा है। क्या आश्वासन मिला अंदर से आपको? अंदर से यही मिला, जो आप फालतू काम करते हो मैं नोटिस निकालता हूँ, आरती को देता हूँ, आपको मजदूरी मिलेगी, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है जो कि इनके कहने से हमें। नियम क्या कहता है कि एक बार उल्टा पलटा लगाना है या 2 बार उल्टा पलटा लगाना जितना, है जितना नोट उसमें हमारे रेस्ट लिस्ट आता है हमारे मार्केट बोर्ड से बनके, हरियाणा से पंचकूला से, जितना काम है एक दफे पलटा मारना जो किसान का या उसके उस टाइम, और जब लेने वाले खरीदवार जब लेते हैं तो उसके बाद एक पलटा हम मार के जो सफाई के उस पे होता है पलटा मार के तोल के खड़ा कर देना होता है, 2 बार उल्टा पलटा करना होता है। उल्टा पलटा मारते कितनी बार? अभी एक एक ढेरी में 10-10 दफे लगा, 11-11 दफे लगा, 5-5 दफे लगा, 7 अगर जो कल आया 2 पलटा कल लगा, 2 पलटा अगर लगा उसमें 4 हो गया, जो 8 दिन पहले आया उसका आप लगा लो कितने, 2 दफे। जो मेरा नाम राम कुमार मातो, अनाज मंडी का मैं भारतीय मजदूर संघ का जो लेबर का है उसका मैं प्रधान हूँ। पैसे घर भी भेजने होते हैं, यहाँ भी गुजारा करना होता है, मजदूरी मिल नहीं रही है समय पर, काम ज्यादा हो रहा है, कितनी परेशानी? मैं तो सबसे पहले आपको मीडिया वाले के द्वारा, मैं मार्केट कमेटी और जो मेरे आरजी एसोसिएशन प्रधान करनाल मंडी का है, मैं उनको बताना चाहता हूँ और आपके नज़र में डालना चाहता हूँ, क्योंकि
मीडिया वाले ही एक ऐसे हैं जो कि चाहे वो मजदूर हो चाहे किसान हो, वर्ग कोई भी हो, अगर समस्या हो तो ये अपनी समस्या को अपने द्वारा ये मतलब हम लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, जो मेरे अभी प्रधान मंडी के जो लेबर प्रधान है राम कुमार, क्या समस्या है क्या? हाँ वही 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 मैं बता रहा हूँ, मेरा बात पहले आप सुन लो। तो मेरी समस्या ये है, ये इन्होंने अभी बताया, जो मैं दो पलटे लगाता हूँ अभी तो बताए ना, जो एक मतलब जब उतरा तब लगाते हैं और जब खरीद होता है उसके बाद दोबारा हम लगाते हैं, तो इसकी हमें पहले मजदूरी मिलता था, सफाई के नाम पर हमें मजदूरी मिला करता था, जो इन्होंने आपको नहीं बताया। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, पहले मैं एक पलटा या दो पलटा लगाते थे तो उसका हमें मजदूरी मिलता था, इसी क्लीनिंग का मजदूरी, जो सफाई का हमें मजदूरी मिलता था, वो पंचकुला बोर्ड से मतलब हमें ये कार्ड दिया गया, जो भाई जो तुम मजदूरी नहीं करते उसका पैसा क्यों मिलेगा तुम्हें, तो कार्ड दिया गया। तो अब बात समस्या ये रह गई, जब मेरी क्लीनिंग का जो है जो मजदूरी मिलता था वो कार्ड दिया गया है, तो फिर ये मैं पलटा क्यों मारूं? पलटा मारने का कोई हक नहीं बन रहा। तो बहुत सारे पलटे मारने पड़ते हैं जिसके बाद ये परेशानी बनी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? घर पर भी पैसे भेजने होते हैं और यहाँ पर भी गुजारा करना होता है, ये समस्या बताइए कि घर पर कितने पैसे भेजने होते हैं, यहाँ पर कितनी समस्या होती है? प्रति महीना हमको 10,000 रुपया भेजना जरूरी है, प्रति महीना। यहाँ तो 2 महीने से बैठे हुए, 1 पैसे नहीं कमाए हैं, बाल बच्चा वहाँ क्या खाएगा? कौन कौन है बिहार में? बिहार में हमारा बच्चा है, परिवार है, बहू है, सब है, पैसे नहीं भेज पा रहे हैं, भेज नहीं पाए हैं 2 महीने से, हमारा परिवार क्या खाएगा? आरती के पास तो क्या करेंगे? आरती के पास बैठे हैं, कोई काम है नहीं, आज जो काम आया वो भी ठप है। ये समस्याएं हैं, ये आम मजदूर की समस्या होती है कि किसान जब आता है अपनी धान लेकर तो वो कहता है कि बार बार पलटा मारो ताकि गर्म हो रही है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, परेशानी ना हो। उधर से आड़ती कहता है कि बार बार पलटा मारा जाए, किसान जो मजदूर होता है उस पर बार बार पलटा ही लगाता रहता है, लेकिन पैसे मिलते हैं एक बार पलटे के लगाए जाते हैं 10 बार पलटा। ये समस्या इसलिए भी आती है क्योंकि धान की खरीद समय पर नहीं हो पाती है, किसान कभी पंखे के पैसे दे रहा है, कभी मॉइस्चर में जो नमी है वो ज़्यादा आ जाती है, उसके पैसे की कटौती हो जाती है, यानी कि परेशानी बनी हुई है, मजदूरों की परेशानी बनी हुई है, किसानों की परेशानी बनी हुई है और सरकार को इस पर समाधान करने की ज़रूरत है। अपनी मांगे लेकर मजदूर पहुँचे थे मार्केट कमेटी के दफ्तर, वहाँ पर जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया है कि अगर 2-3-4 बार पलटा लगाया जाएगा तो उसकी मजदूरी तय की जाएगी, लेकिन क्या आश्वासन से बात आगे बढ़ेगी ये भी देखने वाली होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि तमाम मजदूरों को अपनी दिहाड़ी मजदूरी से कुछ पैसा बिहार भेजना होता है, यूपी भेजना होता है, अपने बीवी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके खाने के लिए, अपने माता पिता की देखभाल के लिए, उनकी दवाइयों के लिए, लेकिन परेशानी इसी तरीके से बरकरार है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।